आपने कहा का मस्जिद की तरफ, मतलब हमारे नंदी महाराज देख रहे हैं। नंदी महाराज तो महादेव की तरफ देख रहे हैं, है ना। ये तो सैफई में लुगाई नचा रहे, सैफई में लुगाई नचा रहे, नचा रहे सैफई महोत्सव। नहीं नचा रहे, वो तो महोत्सव था। कौन सा गठबंधन? वो ठगबंधन ममता का पूछो, इधर राहुल निकाल रहे हैं अंतिम यात्रा। वो तो ममता कह रही है हाय माइछा, हाय माइछा, हाय माइछा, हाय माइछा, ये हमारा छीट का आ गया, ये हम कार से वो गोली चलाने वाले। और जो नारा देते थे, जिनके बाप दादा नारा देते थे मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, आज उनकी पीढ़ी अखिलेश यादव जो ये सुन रही है ना, नारा मुलायम नारा काशी राम जग जग में गूंज रहा जय श्री राम। अगर गोली नहीं चली होती, शिवपाल जी कहते हैं तो टुल्लू मिलेगा, एक भी वोट नहीं मिलेगा, मोहम्मदन का भी वोट नहीं मिलेगा। टुल्लू अगर हिम्मत है तो बधाइयों से किसी अपने अपने किसी परिवार को उतार के दिखा दो। मैं चैलेंज करता हूँ पूरे अखिलेश के परिवार को, अगर सरकार आई तो बुलडोजर चलेगा। मैं बधाइयों से हूँ अखिलेश, जो खड़ पाए उखड़ लेना, मैं खुद कहता हूँ जो खड़ पाए उखड़ लेना। बधाइयों से तुम अपने किसी परिवार के मेंबर को लेके आ जाओ, अगर जमान जब इतना करवा दे अपने बाप से पहले। राजनीति का दौर पुरजोर जारी है, लोकसभा चुनाव नजदीक है। मैं भाई से पूछ लेता हूँ, क्या नाम है? राहुल सर। राहुल जी क्या लग रहा है इस बार लोकसभा चुनाव कैसा रहने वाला है, किस तरीके का माहौल है? देखिए विपक्षी जितनी बयानबाजियां चल रही थी उसको देखते हुए तो मोदी जी आ रहे हैं। पहले मुझे लगता था शायद राजनीति का विषय हो सकता है, लेकिन अब निष्पक्ष मोदी जी आ रहे हैं और उनको आना भी चाहिए। क्यों आना चाहिए, कारण ऐसे कोई है जो मोदी जी ने आपकी सही की? सर एक तरफ विपक्ष है पूरा, जिनके बयान आते हैं हिंदुत्ववादियों को उखाड़ के बाहर फेंकने के। एक का बयान आता है सनातन डेंगू मलेरिया, वो इंडियन एयरलाइंस का हिस्सा बन जाता है। एक कहता था भारत तेरे टुकड़े होंगे, उस गैंग का लीडर कन्हैया कुमार इनके साथ चलता है। एक खड़गे जी कहते हैं कि अगर मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं तो सनातन को बढ़ावा मिलेगा, हिंदुत्व मजबूत होगा। तो इस 125 करोड़ की आबादी वाले देश के अंदर जिसमें सबसे ज्यादा हिंदू हैं, वो मजबूत नहीं होंगे, उनको बढ़ावा नहीं मिलेगा, सनातन को तो किसको मिलेगा? अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, उनको देना चाहते हो आप? या भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह उनको, या मोदी तेरी कब्र खुदेगी ऐसे लोगों को? तो मैं उनके साथ नहीं हूँ, मुझे मोदी जी के कार्य अच्छे लगते हैं। विपक्ष जबकि कहता है कि राम मंदिर राम मंदिर, राम मंदिर हिंदुओं की आस्था का केंद्र था, उसका स्वागत है जो सर्वोच्च न्यायालय से मिला और भाजपा के संघर्ष के बाद मिला। लेकिन विपक्ष तो उस पर भी उंगली उठा रहा है कि भाजपा जातिगत राजनीति कर रही है, धर्म के आधार पर राजनीति कर रही है। सर जाति पे इन्होंने जो राजनीति करी है ना, किसी का बाप नहीं कर सकता। अगर आ जाए ऐसे शब्द यूज कर रहा हूँ क्षमा चाहूंगा, लेकिन नहीं कर सकता। जब इलेक्शन आता है तब इनको दलित याद आते हैं, तब पिछड़ा याद आता है, तब इनको सारे धर्म याद आ जाते हैं। लेकिन जब ये सत्ता में थे इन्होंने उन पिछड़ों के लिए दलितों के लिए क्या किया? मोदी जी के कार्यकाल के अंदर तो दलित महिला राष्ट्रपति पद पे भी है, पिछड़े वर्ग के नेता भी बने, उनके पास अधिकार भी आए, मुख्यमंत्री भी बने, जमीन से जुड़े कार्यकर्ता। लेकिन इनके कार्यकाल में सिर्फ परिवारवाद था। मुलायम सिंह यादव के पूरा परिवार उठा के देख लो आपको सत्ता में दिखेगा। क्या किसी गरीब कोई यादव, कोई जमीन से उठा यादव, उसको कोई इन्होंने पद दिया? नहीं दिया, उनका यूज किया, यूज एंड थ्रो। जैसे एक पानी की बोतल हम खरीदते हैं उसको पिया और उसको क्रश किया फेंक दिया, वही हाल इन्होंने जनता का कर रखा था। लेकिन वो कहते हैं कि ज्यादातर राज्यों में देखा गया है भाजपा ने मुसलमानों पर अत्याचार किया है, उन्हें बुलडोजर चलवाया है। हम उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश पे भी सवाल उठाए हैं। अभी ज्ञानवापी का मसला सॉल्व हुआ है, उसमें भी वो कह रहे हैं कि ये तो मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है। सर अभी महाराष्ट्र के अंदर ना मुसलमानों ने क्या किया राम भक्तों के साथ, लेडीज महिला बच्चा कुछ नहीं देखा। अगर उसके घर पे बुलडोजर चलता है ऐसे दोषियों को सजा मिलती है तो आपको पीड़ा क्यों होती है? चाहे मैं कहता हूँ वो महाराष्ट्र नहीं यूपी नहीं देश का कोई भी राज्य हो, अगर ऐसे लोगों को शांत आप लोग तो करा नहीं पाए थे। आप लोगों ने तो सारी फैसिलिटी उनको दे रखी थी। हिंदू तो कभी नहीं बोला, सनातनी नहीं बोला, कोई धर्म का बंदा नहीं बोला। आप निष्पक्ष होकर के एक पार्टी एक संस्था के साथ चलते थे, उसी को देखते हुए आपने राम मंदिर का विरोध किया, राम को काल्पनिक बताया, कोर्ट ने 25 वकील खड़े कर दिए, तब भी 125 करोड़ सनातनी सड़कों पे नहीं आया। लेकिन आज जब सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से हमें मंदिर मिला उसके बाद भी आप विरोध करते हो, उसके बाद भी आप उसका निराकरण करते हो और सनातनियों का निराकरण करते हो, और आपके ही राहुल गांधी बोलते हैं हिंदुत्ववादियों को उखाड़ के बाहर फेंकेंगे। इनको फेंकना चाहते हो भैया जी, वोट की अपेक्षा भी हमारे से और उखाड़ के फेंकने की बात भी हमारे से ही करते हो, क्यों करते हो? ये मेरे जैसा युवा पूछना चाहता है। लेकिन उनका सवाल तो ये है कि अगर हम बात करें भारत राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा, भारत न्याय यात्रा, तमाम सारी यात्रा निकाल रहे हैं, क्या लगता है इससे कोई प्रभाव पड़ेगा 24 में? सर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, भारत जोड़ो यात्रा चलाई थी इन्होंने, 3 राज्य दे गए हमें, ये तो भारत के छोड़ो भाजपा के ऐसे स्टार प्रचारक है ना
जो बिना पैसों के भाजपा का स्टार प्रचारक बनके काम कर रहे हैं, इतना प्रचार कर रहे हैं कि भाजपा का अच्छा कार्यकर्ता भी इतना प्रचार नहीं कर सकता। तो कहते हैं ईवीएम खराब है, ईवीएम भाई चेक कर लेती है भाजपा। सर मैं आपको बताऊं, ये तीन राज्यों के चुनाव आए ना, तो उसके लिए दो लाइनें बोलता हूं कि कुछ राज्यों के चुनाव के बाद पार्टियां ऐसी शर्मसार हो गई कि उस दिन से बेचारी ईवीएम गुनाहगार हो गई। ये जब तीन राज्यों की जनता ने इनको मजा चकाया, तब इनको समझ आया कि भैया जी अब क्या हो गया हमारे साथ, हम तो चले थे भारत जोड़ो यात्रा में और लोग हो गए मोदी के साथ, इनके साथ ये था। अगर ईवीएम हैक होती है, ईवीएम में घपला है, आप भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हो, भारत न्याय यात्रा निकाल रहे हो, क्यों धरने पे नहीं निकालते? ईवीएम हटाओ, यात्रा निकालो। वो कहते हैं ईवीएम को एक बार हटवा तो दो, विपक्ष में इंडी चुनाव आयोग ने नहीं बचाया था, चुनाव आयोग ने बुलाया था, ये नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्योंकि इनको पता था ईवीएम हैक नहीं हो सकता। ईवीएम हैक नहीं, ये फिर भी खुला वोट दे देंगे। अगर ईवीएम हट भी जाएगी ना तो फिर भी खुला वोट दे देंगे। मैं कहता हूँ जब तक ईवीएम नहीं थी भाई साहब, मेरे गांव में 1500 वोट थे, 1400 वोट बीजेपी के पर्दे चले आ रहे, हाथ उठा के देख लो। जब ईवीएम नहीं थी तब, क्योंकि मेरे बाबा खुद के हाई फाई थे, रात को जाय होते थे, पड़ गए जाओ हो गया काम, किसी की हिम्मत नहीं होती थी। रात में डालते, अरे अब रात में ही कर देता तो ईवीएम की बात कर रहा है। ईवीएम से हमसे पूछा है, ईवीएम से हमें चोट लगी है, जो आज 300 वोट अदर कर पड़ते हैं, 1500 में 1200 ही वोट बीजेपी के पड़ते हैं। तो फिर आप हाईजैक कर रहे हो, तो हाईजैक यही करना चाह रहे हैं। हाईजैक के तो बाप निकल, जो हाईजैक की सोचते नहीं है उसे हम जेब में डाल के घूमते हैं। जो ईवीएम कह रहे हैं हटवा दो, हम तो कह रहे हैं हटवाओ ईवीएम, तुम जैसे हो तो हम यहाँ डाल के घूमते हैं। इतना कमजोर नहीं है इंडिया गठबंधन। कौन सा इंडिया गठबंधन? वो ठगबंधन ममता का पूछा, इधर राहुल निकाल रहे हैं अंतिम यात्रा, वो तो ममता कह रही है हाय माइछा, हाय माइछा, हाय माइछा, हाय माइछा, ये हमारा सीट कहाँ आ गया, ये हम का तो कहेगा गठबंधन। भैया हमारे बीजेपी के हैं, ये दिल्ली के हैं, हम ऐसे करके चलेंगे। भैया तो नहीं कहेगा जी हमारी हमारी राजनीति लेने के लिए आ गए, नहीं आए क्योंकि हम मिले हुए हैं, मिले हुए। अब इनका गठबंधन था राजस्थान में अखिलेश लड़े, मध्य प्रदेश में अखिलेश लड़े, क्यों नहीं सीट का बंटवारा करा? मात्र 3 सीटें यूपी में, 3 सीटें देने को तैयार है अखिलेश। अब प्रेजेंट में, प्रेजेंट में क्या लगता है लोकसभा फिर भी दोषी रहेगी कांग्रेस की? सुनो ये वो ही करेंगे ना, प्रधानमंत्री अब मैं बनूंगा, मेरी ज्यादा सीटें आई हैं, मैं बनूंगा। जब खैचा खैच करेंगे, जो 16 साल चंद्रशेखर के जमाने में हुआ ना, चंद्रशेखर खींचा खाची करी ना, पतिरा तैसा करेंगे ये, तो वो अब नहीं होगा। जनता समझ में आ गई है, सबको पता है कि जनता क्या क्या जनता को मिला है, भाई खुल्लम खुल्ला मिला है जनता को। उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी कहते हैं अब की बार बीजेपी का सुपड़ा साफ करके रहेंगे। अखिलेश का सुपड़ा साफ होने वाला है, मैं बता रहा हूँ आपको। इनके ऊपर जो कलंक है, जो जनता को जागरूक करके बताया गया कि कार से गोली चलाने वाले, और जो नारा देते थे, जिनके बाप दादा नारा देते थे मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, आज उनकी पीढ़ी अखिलेश यादव जो ये सुन रही है ना, नारा मुलायम नारा काशी राम, जग जग में गूंजरा जय श्री राम, हवा खिसक गई है, हवा खिसकी हुई है सत्ता को लेकर के। पैसे की भूख नहीं है, पैसा बहुत कमा लिया इन्होंने भ्रष्टाचार करके, सत्ता की भूख है, सत्ता चली जाएगी, इसलिए मोदी के विरोध में कहते मोदी डरा, डरा मोदी है, और गीदड़ों का झुंड तुम तैयार कर रहे हो 26 अलायंस के अंदर। क्यों भाई? जो डरा है वो अकेला खड़ा है, और जो डरा नहीं है वो 26 गठबंधन बना करके चल रहा है। तो ये मूर्ख बनाने का काम है और कुछ नहीं। कहना चाह रहे हैं? हाँ कहना चाह रहे थे, ये आप कह रहे हो अखिलेश कह रहे हैं इस बार बीजेपी का सुपड़ा साफ है यूपी से। ऐसा क्यों लग रहा है? सुनिए, ऐसा तो नहीं ओवर कॉन्फिडेंस हो गया भाजपा? अब नहीं, अभी हमें कुछ पता नहीं था कि ज्ञान बापी ज्ञान बापी की पूजा ही बंद कराई मुलायम ने, ज्ञान बापी की पूजा मुलायम ने बंद कराई, 84 कोस परिक्रमा अखिलेश ने बंद कराई, ठीक है, और रामलीला अयोध्या में अखिलेश ने बंद कराया, ठीक है, मंदिर के लाउड स्पीकर अखिलेश ने बंद कराए, संविधान संविधान के लिए बंद कराया, संविधान का नियम, तो संविधान के लिए तो एक के लिए सिर पे बैठा दो, एक के लिए सिर पे बिठा दो, संविधान बंद वो नहीं करा उन्होंने, एक ही माइनॉरिटी को खुश करने के लिए सब कुछ बंद कराया। अगर गोली नहीं चली होती, शिवपाल जी कहते हैं, तो टुल्लू मिलेगा, एक भी वोट नहीं मिलेगा, मोहम्मदन का भी वोट नहीं मिलेगा। टुल्लू अगर हिम्मत है तो बधाइयों से किसी अपने अपने किसी परिवार को उतार के दिखा दो। मैं चैलेंज करता हूँ इन्हें पूरे अखिलेश के परिवार को, अगर सरकार आई तो बुलडोजर चलेगा। मैं बधाइयों से हूँ, अखिलेश जो उखाड़ पाए उखाड़ लेना, मैं खुद कहता हूँ जो उखाड़ पाए उखाड़ लेना, बधाइयों से तुम अपने किसी परिवार के मेंबर को लेके आ जाओ, अगर जमानत जब इतना करवा दे अपने बाप से पैदा नहीं।
धर्मेंद्र यादव बदायूं से लड़ रहे हैं? नहीं लड़ रहे हैं, इटावा चले गए, कल भी अनाउंस हुआ है। नहीं नहीं लड़ रहे हैं, इटावा भी आएंगे, क्या लग रहा है? कई बार हार गए, कई बार हार गए, दो बार हारे हैं धर्मेंद्र यादव। क्यों हारे हैं? इनके कर्मों से। मैं उसके लिए नहीं मानता, धर्मेंद्र यादव खराब नहीं बता सकता, धर्मेंद्र यादव खराब नहीं बता सकता। धर्मेंद्र यादव ने खुद कही कि हम हारे तुम्हारी वजह से। किसके बारे में कह दिया था? अखिलेश के बारे में खुद कही, हम हारे तेरी वजह से। क्या अखिलेश पनौती साबित हो रहे हैं? पनौती उसके लिए काम, उसके वो समझते हैं कि हमारे बाप सीएम थे, हम भी ये बाप दादा की रोटी सोचते, जैसे वहां तेजस्वी नौमी पास नहीं कर पाया, सीएम के पद देख रहा था बिहार में। कुछ बोल रहे हो? हाँ जी, हम क्या बोल रहे हैं? हम ये बोल रहे हैं, ये वही है जो राम भक्तों पे गोली चलाने वाले थे, है ना? कार सेवकों पे कितनी गोलियां चलाई, और आज राम जी के उसमें नहीं जा रहे। बीएचपी को जानते नहीं कि बीएचपी है कौन? जब तुम्हें बीएचपी की ना पता, तो इस देश के नागरिक कैसे हो तुम? कैसे, क्या क्या है आपके पास? मुख्यमंत्री के दावेदार क्या है? प्रधानमंत्री और बनना चाह रहे हो? तुम पे एक छोटी जी, पहले तो सुनो, हमारे योगी जी राम मंदिर बनवा रहे हैं, हमारे योगी जी वो तो कोर्ट बनवा रहा है, वो योगी जी नहीं बनवा रहे, वो मान नहीं रहा ना। सुनो 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 सुनो, अगर मेरी बात सुनो, कोर्ट तो जब से कोर्ट तो 70 साल से, 500 साल हो गए हमें चिल्लाते कि हाँ जी हमारा मंदिर है, मंदिर है। अभी तो ज्ञानवापी पे सवाल उठाए जा रहे हैं, मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है। अत्याचार कौन सा अत्याचार होगा? कौन से उसमें लिखा है कि मस्जिद की तरफ, मतलब हमारे नंदी महाराज देख रहे हैं? नंदी महाराज तो महादेव की तरफ देख रहे हैं, है ना? ये तो सैफई में लुगाई नचा रहे, सैफई में लुगाई नचा रहे, तो नचा रहे सैफई महोत्सव। नहीं नचा रहे, वो तो महोत्सव था। काय का महोत्सव है आज? जब वो तो महोत्सव आज, ये जन जन जनमानस के राम और जनमानस का महोत्सव आज, इन्हें वहां पे जाने में भी आपत्ति है। है क्यों ना गए वहां पे? वो कहते हैं बुलाए नहीं है, बुलाए नहीं है। अरे भैया किन्ने कह दिया बुलाए नहीं है? उन्होंने कहा था कि हर किसी को, अभी ये अस्वीकार कर रहे हैं, कह रहे हैं हम बीएचपी को जानते ही नहीं, हमारे पास कोई बीएचपी का आदमी नहीं आया, है ना? जब बीएचपी को कमान सौंपी गई है सबको न्योता देने की, और ये कह रहे हैं हम बीएचपी को नहीं जानते, क्या बात है? यानी उन्हें जानकारी नहीं है या फिर अपने आप अनजान बन रहे हैं? ये बरगला रहे हैं, ये इनके बस की तो कुछ नहीं। आप कह ये ऐसे जाएंगे गधे के सिर पर सिंह? डूबता जहाज का पूरा डूब गए। डूबता जहाज में तो बच जाते हैं, चूहे बिल्ली लिखड़े हो जाते, ये तो पहले से लीले डूबे हुए हैं। और अब 2024 में तो इनकी इतनी हालत खराब होगी कि देखना आप। कहते गठबंधन बहुत मजबूती के साथ आ रहा है इस बार। जब गठबंधन जिसमें गठ लग जाए ना, जिसमें गांठ पड़ जाए धागे में, तो गांठ है ना, बस गांठ ही पड़ती जाती है। गांठ क्या है? चूहा बिल्ली शेर सियार सारे मिल गएंगे, शेर का शिकार कर लेंगे हैं ये। अगर इन्हें भारत के जनमानस का पहले ही चिंतन होता तो ये मोदी जी आते क्यों हैं? जो चीजें आज हो रही हैं 2014 के बाद, ये पहले क्यों ना हो गई? पहले को ना करे। 256 रुपए में 1 GB डाटा चलाता था हमारा यूथ। वो कहते जबरन लठवारो पैरो है, मोदी जी जबरन ले रहे हैं। अब आजकल हाल CBI भेज देते हैं, हाल सबको। मेरी बात सुनो, अगर हमारे प्रूफ चिंगार के कह रहे हैं, कहिए प्रूफ है, एविडेंस है। राम के देश में राम के होने के हमें प्रमाण देने पड़ रहे हैं, आखिर क्यों? राम के देश में राम के होने के प्रमाण, आजादी के 500 वर्ष, गुलामी के 75 साल है राम के देश, महादेव के देश में रहकर महादेव के प्रमाण है, भगवान श्री कृष्ण के देश में रहकर भगवान श्री कृष्ण के प्रमाण। ये कब तक प्रमाण मांगेंगे? 40,000 मस्जिद बनाए और मंदिर तोड़ के बनाई गई, हाँ। और जो क्या है, कुतुब मीनार है, दिल्ली का कुतुब मीनार है, आप गूगल करके देखो, अभी पता चल जाएगी। 27 हिंदू जैन मंदिर का मलबा उसके अंदर आज भी है। मस्जिद तो थी नहीं, ये देश तो मंदिरों का देश था, मस्जिद तो ये क्या नाम आया था, ये अकबर कौन सा आया था, औरंगजेब आया था, उसके बाद बनी है मस्जिद। मस्जिद तो यहाँ पे थी नहीं, मंदिर ही थे सबसे, इस देश में मंदिर ही थे। अभी तो भाई साहब ये तो टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। क्या कहना चाह रहे दादा? हाँ दादा बोलो, किस बारे में? क्या लग रहा है लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, कौन प्रधानमंत्री बन सकता है? प्रधानमंत्री ऑब्वियसली मोदी बनेंगे, बिल्कुल हैट्रिक बनाएंगे वो इस बार। ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि हैट्रिक बनाएंगे? अरे उन्होंने काम किया, उनका काम मुंह से बोल रहा है यार, ऐसी बात नहीं है। मेरे को बताओ कितने, अभी आपको पता है कि 11 करोड़ लोगों को उन्होंने है ना नल से जल दिया दूर दराज गाँव में, 50 करोड़ तो उन्हें जनधन योजना के अंतर्गत अकाउंट खोले हैं, 50 करोड़ अकाउंट खोल चुके हैं, 50 करोड़ जिसमें अभी तक 2 लाख करोड़ पड़ा हुआ है। और आयुष्मान भारत, अभी आयुष्मान भारत के अंदर कम से कम 50 करोड़ लोग फैमिली जो 50 करोड़ को विकास क्यों नहीं दिख रहा भाजपा का?
अरे विकास ने राजनीति करनी है, विकास विपक्ष को देखा, कल देखा नहीं खड़गे साहब के मुंह से निकल गया संसद में, आज इस बार 400 पार 400 पार उसने संसद में उनके मुंह से भी निकल गया, उसके मुंह से भी निकल गया, भविष्यवाणी सही था, हंसने लग गए। वो कहता है जी वो क्या नाम आपका पीयूष गोयल, आपने बिल्कुल कहा इट इज ट्रू, बहुत बढ़िया है। वो बाद में कहता है नहीं जी 100 भी पार नहीं करोगे, 100 भी नहीं पार करोगे, बाद में मुकर गया। विपक्ष वाले जो है ना, इनका एनडीए गठबंधन की जो है ना, आपको पता है एक के बाद एक विकेट गिरती जा रही है। पहले नीतीश कुमार गया, अब ममता बनर्जी जी भी कह दिया अहंकारी है, ये कांग्रेसी लोग बहुत अहंकारी हैं, और उसने बोल दिया अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो भाई साहब बनारस के अंदर बीजेपी को हरा के दिखाओ, इलाहाबाद के अंदर बीजेपी को हरा के दिखाओ, बोला या नहीं उन्होंने? बोला है कि गठबंधन मजबूत है इस बार। मजबूत नहीं है, मजबूर गठबंधन है ये, मजबूर है जी, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? हमें तो देख के लग ही रहा है हर दिन एक व्यक्ति गठबंधन को छोड़ के जा रहा है, तो इसलिए ये मजबूरी का गठबंधन है, ठीक है। और अब भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी हमारे 2024 में वापस से आ रहे हैं, एक बार फिर मोदी सरकार, इस बार 400 पार 400 पार। और नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं हो रहा सर? हम कॉन्फिडेंस से बात करते हैं, ओवर तो नहीं है, हम किसी पार्टी से नहीं बात कर रहे, हम देश की जनता है। ये जो मोदी जी ने किया है ना देशवासियों के लिए, ये सबको दिख रहा है, हमारे परिवारों को दिख रहा है, हमारे रिश्तेदारों को दिख रहा है, आस पड़ोस को दिख रहा है। पहले लोगों 100 रुपये बेचते थे तो कहते 10 रुपये पहुँचते थे, आज मोदी जी 100 रुपये बेचते हैं, तुरंत दबाते हैं किसान सम्मान निधि, किसान को मिल गया तो 100% उनके खाते में जा रहा है। उज्ज्वला गैस योजना का लाभ सीधे लाभार्थी को मिल रहा है, तो हमारी यही सबसे मांग है और हम सब यही चाहते हैं कि ऐसे मजबूर गठबंधन को नकारें और मोदी जी को स्वीकारें। तो ये देख रहे हो आप खबर एक्सपर्ट पर दिल्ली से बेबाक राय, कि जिस तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर दन आदन बोलती हुई जनता दिखाई दे रही है। आप देखते रहिए दिल्ली से खबर एक्सपर्ट की विशेष रिपोर्ट। धन्यवाद।